गाइस सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, मेरा पास एक वीवो का Y93 मॉडल आया है और हम लोग इसको अनलॉक करेंगे आज EOMT टूल से। तो EOMT टूल से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहा है, जो वहाँ पे हम लोग जब फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे DA इरोर, DA पोर्ट इरोर, इनवैलिड DA, कभी इसका ड्राइवर पकड़ता नहीं, इस तरह का काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो हम लोग आज जो इस वीडियो में दिखाएंगे, ये कोई एरर का चांस नहीं आएगा और कोई भी मीडियाटेक का सेट इस तरह से अनलॉक किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा जितने भी लेटेस्ट जुड़े हैं वीडियो रहेगा मैं अपलोड करूँगा तो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका जो FRP बाईपास का सबसे बेहतर सोल्यूशन है FRP का, तो मैंने वो FRP का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। तो पहले मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये लॉक है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, इसका पैटर्न लॉक मांग रहा है। तो इसका मॉडल चेक करेंगे, इस तरह आपको दिखाएंगे। आपको यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे पैटर्न लॉक मांग रहा है, इसका मॉडल पता नहीं है। तो पहले आप लोग CPU चेक करोगे, MediaTek का किसी भी फोन इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो विदाउट मॉडल चेक किया बगैर। तो मैं आपको और एक बार इसको मॉडल चेक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया Y93 है। तो यहाँ पे कैमरा को ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मेरा फेस आ रहा है। तो यहाँ पे एक कैमरा को पीछे वाला लेना है, ये देखो मैंने कोई भी इमेज ले रहा हूँ, यहाँ पे इमेज लेना है। इमेज लेने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें गया, इसको ओपन करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यह जो छोटा करके आई वाला एक बटन दिख रहा है ना, प्रेस करने के लिए, आपको पास से दिखाता हूँ, ये जो आई वाला बटन है इसको इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडल देखिए, वीवो 1815 है। तो ये जब आप लोग सर्च करेंगे वीवो 1815 कौन सा मॉडल, तो यहाँ पे आपको 100% दिख जाएगा ये कौन सा मॉडल। तो 1815 मतलब आपको वीवो Y93 है। तो मैं EMT डोंगल से अनलॉक करेंगे विदाउट DA, कोई भी इरर ना आए। तो मैं EMT जो बॉक्स है मैं इसको ओपन करूंगा, तो मैं EMT बॉक्स को इस तरह से ओपन करेंगे। तो मैंने पहले से EMT बॉक्स को कनेक्ट कर लिया है, तो आप लोग आपका जो डोंगल और बॉक्स है ये जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा, ये विदाउट डोंगल से ओपन नहीं होगा। तो मैंने इसको सेटअप ओपन कर दिया, तो मैं डिवाइस मैनेजर को छोटा कर लेता हूँ। तो मेरा EMT सेटअप ओपन हो गया, तो मैं इसमें डायरेक्टली टूल एंड FRP, यहाँ पे कोई भी मॉडल सिलेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट जो ये फेस रिसेट टूल है मेटा वाला, जस्ट इसमें क्लिक करेंगे। ये वाला क्लिक करने के बाद हम लोग को फोन को सेट डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया, पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको सामने डायरेक्टली फोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है तो वॉल्यूम डाउन करके देखोगे, और तो ये MediaTek के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी प्रेस नहीं करता हूँ, डायरेक्ट USB को लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा रिबूट टू मेटा। तो उसके बाद हम लोग फोन को हाथ नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पे चलते चलते फेल्ड भी आ गए तो हम लोग फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही कनेक्ट रहना चाहिए। अगर डिस्कनेक्ट करोगे तो एरर आ जाएगा, तो उस तरह का कनेक्ट रहो। तो हम लोग उस तरह का जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेल्ड आ गया। तो फेल्ड आने पे हम लोग यहाँ पे फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। जस्ट यहाँ पे रिसेट मेटा टू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हम लोग का कनेक्ट ले लिया। अगर आप लोग वहाँ पे डिस्कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे फिर से आपको फेल्ड ऑप्शन दिखेगा। आपको जब तक ये फॉर्मेट सक्सेस ना दिखाए
तब तक यहाँ पे आप लोग को रिसेट जो मेटा 2 है उस पर क्लिक करते रहिए, करते करते दो तीन बार फेल होने के बाद ही ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा फिर से फेल्ड आ गया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लिक कर दिया ऑलरेडी, यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी देखो यहाँ पे चल रहा है सिस्टम पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो रिसेट ऑप्शन है ये सक्सेसफुल हो गया। तो मैं आप क्या करूँगा, फोन को ऑन करूँगा, आपका सामने केबिल को निकाल देंगे और कुछ देर आपको ये पावर की प्रेस करके रखना है। और ये क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको यहाँ पे सामने रख देता हूँ, क्योंकि आपको देखने भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन ऑन होने के बाद आपको दिखाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। और इसका जो एफ आर पी अनलॉक का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग अगर एफ आर पी आए तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले करके आप लोग एफ आर पी को बाईपास कर लेना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अभी तक वीवो पे अटक हुआ है, ये ऑन होने से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा फोन 100% अनलॉक हो गया। तो मैं जो एफ आर पी का वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना दिया और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना। तो मैं यहां पे सेटिंग कर रहा हूं, देखिए मैंने इस सेट को पहले एफ आर पी कर लिया था क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था, इसके लिए यहाँ पे एफ आर पी भी नहीं मांगेगा। और मैं यहाँ पे देखिए मेरा 100% हो गया। अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए और भी नए नए अच्छे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया।